दरगाह हजरत जाहिर शहमिया में दो रोजा सालाना उर्स का आगाज तिलावत कुरान पाक के साथ हुआ। रात में ना तो मनकबत की महफिल आयोजित हुई, जिसमें मशहूर मारूफ नात ख्वाओं के अलावा बच्चों ने भी नात पाक पेश किया। सादिक बंदा जिस कंडीशन में, जिस हाल में खुदा का जिक्र करता है, तो उसी कंडीशन में अल्लाह उस बंदे का जिक्र करता है। ये बात सुना रहा हूं मैं आपको। सरकार ने फरमाया कि बंदा जिस हाल में अल्लाह का जिक्र करता है, तो वैसे ही अल्लाह उस बंदे का जिक्र करता है। और आगे ये भी लिखा हुआ है कि इसका मतलब ये है कि जो बंदा तन्हाई में अल्लाह का जिक्र करता है, तो अल्लाह भी तन्हाई में उसका जिक्र करता है। और जो ग्रुप के सामने, भीड़ के सामने, जमात के सामने अल्लाह का जिक्र करता है, तो अल्लाह भी जमात के सामने उसका जिक्र करता है। अल्लाह भी फील के सामने उसका जिक्र करता है, अल्लाह भी ग्रुप के सामने उसका जिक्र करता है। और सिर्फ ग्रुप के सामने नहीं करता, ये भी हदीसे पाक में मौजूद है कि जिस जमात के सामने बंदा खुदा का जिक्र करता है, उससे बेहतर जमात के सामने अल्लाह बंदे का जिक्र करता है। अल्लाह बंदो, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूं। ये किसकी शान है, ये हमारी शान है। बोलो भाई, ये किसकी शान है, ये हमारी और आपकी शान है। हम अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह हमारा जिक्र करता है। हम अल्लाह का चर्चा करते हैं, अल्लाह हमारा चर्चा करता है। बोलो भाई, ये तो हमारी और आपकी बात होगी। कुल शरीफ के बाद देश की तरक्की, खुशहाली, अमन चैन और बीमारी की शिफा के लिए मौलाना मुफ्ती मुस्तजाब हुसैन कदीरी ने दुआ करवाई। इस मौके पर दरगाह के खादिम खास मोहम्मद अकरम बाबा साबरी अत्तारी, मौलाना हाजी शाह आलम अत्तारी, मौलाना हाजी एहसान अत्तारी समेत बड़ी संख्या में अकीदतमंद लोग मौजूद रहे। प्रोग्राम का संचालन तनवीर जमाल उस्मानी ने किया।